हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड विद कालिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल कटलेट। ये तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसको बनाना भी बहुत ही आसान होता है। इसके लिए हमको सामग्री में क्या चाहिए, ये हमें 4-5 गाजर ले लिया जिसको हमने कद्दूकस करके इसका पानी निचोड़ के निकाल लिया है। ये हमने चुकंदर ले लिया, 2 चुकंदर है, इसको भी हमने इसको कद्दूकस करके इसका भी पानी मैंने निचोड़ के निकाल लिया है। 1 कप मैंने हरे मटर के दाने लिए हैं। ये मैंने 4 उबले हुए आलू को जिसने हाथों से हमने मैश करके रख दिया है, और थोड़ा सा अदरक, और ये 10-12 हरा मिर्च, जो आप जितना आप तीखा करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप अपना मिर्च कम बेसी कर सकते हैं। तो इन सबों को हम पहले, मैंने करीब 100 ग्राम मैदा लिया, इसको इस मैदे में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और हल्दी के थोड़ा सा हल्दी और नमक, स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। इसको हम पतला घोल तैयार करेंगे, इसको गाढ़ा नहीं कर सकते, इसको पतला ही घोल तैयार करना है। आप चाहे तो इसको बेसन में भी डुबो कर बना सकते हैं, लेकिन मैदा में ज़्यादा ही क्रिस्पी होता है, इसलिए हम मैदा का घोल के तैयार करके इसमें हम डुबो कर इसको बनाएंगे। इसका घोल पतला ही रखेंगे। ढक कर रख देंगे। घोल मैंने तैयार किया है, इसको डुबो कर इसमें तलने के लिए। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक कर हम इसको रख देंगे। चाय के साथ जो टोस्ट खाया जाता है, वही टोस्ट को हमने 5-6 पीस टोस्ट के लेकर मैंने इसको मिक्सर में हमने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। इस तरह बिल्कुल आपको पाउडर बना के गैस ऑन करके हमको इसमें पैन रख दिए। पैन रख कर थोड़ा सा हमको रिफाइन ऑयल डालना। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम बस पहले अदरक डालेंगे। अदरक डालने के बाद हमें हरा मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम मटर डालेंगे। मटर के अगर आप मूँगफली के दाने भी डाल सकते हैं, इसका भी टेस्ट बढ़िया होता है, लेकिन मेरे पास ये मटर के दाने, इसलिए मटर के दाने भी डाल देंगे। अब इसमें गाजर को डालेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इसको सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा भून लेना, इसका जो अपना चाहिए था। और इसमें हम ये चुकंदर डालेंगे। और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार मीठा नमक अच्छे से। तो सबने मैश करके पहले रख दिया। ये मैंने एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दी। लगभग भून चुका है,
हम इसको हम गैस को बंद कर रहे हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और ठंडा हो जाए तब आप अपने अनुसार चाहे गोल चाहे लंबा चाहे अंडाकार जैसे से अपना आप बना ले काट लें। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 14 कटलेट मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसको चल रही हूँ तेल में तलने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं, रिफाइन ऑयल। एक एक कटलेट उठा के इस मैदे वाले घोल में इसको डाल के मिला कर और इसे इसको तेल में डालूंगी। जब ये लाल हो जाए तब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह करके हमको तल के निकाल लेना है। ये मेरा कटलेट तैयार हो गया है। इसको आप मीठी चटनी के साथ या हरी धनिया के पत्ती की चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए अंदर से कितना बढ़िया, खाने में भी बहुत मीठा तीखा स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसका। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।